नोटबंदी के फैसले के बाद देश बेहाल है, तो वहीं आज सरकार के फैसले से नाराज विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। यहां हम आपको RBI की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। क्या नोटबंदी के नाम पर देश में हुआ है बड़ा घोटाला? क्या काले धन की हो रही है कालाबाजारी? क्या सही है विपक्ष के आरोप? नोटबंदी को लेकर देश में कोहराम मचा है। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी की गूंज सुनाई दे रही है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही उम्मीद के मुताबिक आज राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर गर्म चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यह फैसला बिना किसी तैयारी के लिया है, किसान धोती में क्रेडिट कार्ड नहीं रखता। साथ ही उन्होंने आरोपों की छड़ी लगाते हुए कहा कि BJP ने नोट बदलने के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। सरकार ने अपने लोगों को पहले ही नोटबंदी की जानकारी दे दी थी। वैसे शर्मा से पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा चुके हैं। सबूत के तौर पर केजरीवाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ बैंकों में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में खूब पैसा जमा किया गया। वैसे RBI के आंकड़े भी यही कहते हैं। RBI के आंकड़ों की माने तो सितंबर 2016 में बैंकों में 1 अरब से ज्यादा की राशि जमा की गई। ये राशि अगस्त 2016 में जमा की गई रकम से 5.89 लाख करोड़ ज्यादा है। वहीं सितंबर 2015 में कुल 89,97,120 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। ऐसे में पिछले साल की तुलना में यहाँ 9.97% की वृद्धि हुई है। RBI के मुताबिक इन आंकड़ों ने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर है कि RBI के ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं और सरकार पर लग रहे आरोपों की तरफ इशारा भी करते हैं। वैसे सिर्फ RBI के आंकड़े ही नहीं, कई और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो विपक्ष के आरोपों को सही साबित करते हैं। पश्चिम बंगाल में BJP इकाई का नोटबंदी की घोषणा से 2 दिन पहले बैंक में 4 करोड़ रुपए जमा कराना। नोटबंदी के फरमान से पहले पंजाब में BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजीव कंबोज का 2000 के नए नोट के साथ देखा जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और यही वजह है कि संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। आज जहां BSP सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले की जांच JPC से कराने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दलों ने आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और राष्ट्रपति से मिलकर नोटबंदी का फैसला वापस लेने की गुहार भी लगाई है। विपक्ष के आरोप पर RBI की रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है जो अपने आप में सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी से ये साफ है कि आने वाले दिनों में संसद में संग्राम छिड़ा रहेगा। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। देखते रहिए DB Live।